तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम ड्रॉ करने वाले हैं पेन स्केच। मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ वो आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैंने कहीं से क्लास नहीं किया है, मैंने जो किया है खुद से किया है और घर पर रह के किया है गाइस। तो जो सिखाऊंगा गाइस वो अपने तरीके से सिखाऊंगा, जो मैं जैसे करता हूँ अपने कुछ मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ पेन स्केच में, और आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर भी अगर आप चाहते हो तो। फिर तो आप लोग वीडियो को एंटर दिए गाइस, आप लोग और बेटर रहेगा। बीच में कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और मैं अप्लाई करता हूँ और अब मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। ठीक है गाइस, तो वीडियो को एंड तक देखिए। गाइस सबसे पहले मैंने लिया एक पेपर जो है A4 साइज़ का चौथा भाग, मतलब कि A4 साइज़ को आप चार बार फाड़ोगे या फिर काटोगे तो चौथा भाग जो निकलता है वो इतना बड़ा। पॉइंट नंबर टू, सबसे पहले हमको करनी है आउटलाइन। आउटलाइन कैसे करें, आउटलाइन के लिए काफ़ी लोग ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं करता गाइस। मैं करता हूँ लेकिन उतना नहीं करता। मेरा सजेशन यही है कि आप फ्री हैंड करो, जितना फ्री हैंड करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। इसका कुछ सेंस नहीं बना, छोड़ो यार। तो गाइस मेन पॉइंट यही है कि आपको आउटलाइन जो करनी है वो फ्री हैंडली करनी है। फ्री हैंड करोगे तो आप उतने बेटर होगे। अब आउटलाइन करें तो करें कैसे गाइस, हम तो कहीं क्लास गए नहीं है जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें कट कुछ लाइंस होती हैं उसमें भी ऐसे कर कैसे जो भी है, मुझे तो ये नहीं पता गाइस। ऑब्जर्वेशन गाइस, आप ऑब्जर्व कीजिए, पहले डिफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, उसे देखिए समझिए। एक बात और गाइस, अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो रेफरेंस उसको जस्ट बगल में रखिए और समझिए रेफरेंस को कि वो भी एक A4 साइज में पेपर है और वो भी पेपर के साइड में बना हुआ है, ठीक है। तो उसको पेपर ही समझिए अपने रेफरेंस को। मैं ऐसे समझ के ड्रॉ करता हूँ गाइस। तो आप पहले एक चीज़ को परफेक्टली ड्रॉ कर लीजिए ऑब्जर्व करके अच्छे से। जब एक चीज़ आप ड्रॉ कर लोगे गाइस, उसके आसपास देखिए कितने डिस्टेंस में क्या चीज़ है क्या नहीं है, नोज़ आइज़ कितने डिस्टेंस में है। आप एक से दूसरी चीज़ को मिलाइए, ऑब्जर्व कीजिए रेफरेंस में पहले कहाँ पे कितने डिस्टेंस में बना है, क्या बना है, कैसा बना है, किस एंगल से मुड़ा हुआ है, किस एंगल से नहीं मुड़ा हुआ है, किस एंगल से घुमा हुआ है, किस एंगल से नहीं घुमा हुआ है, सीधा है, टेढ़ा है, आड़ा है। दोस्तों आउटलाइन के ऊपर एक प्रेशर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अरे छोड़ो यार, समझो जो भी, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ ये कर लो पहले। हाँ तो हम कहाँ था गाइस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रेशर जितने दोगे उतनी आपकी पेंसिल डार्क हो जाएगी गाइस। तो आप लोग को आउटलाइन करते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि आपको पेंसिल के ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। इधर पेंसिल को लाइटली पकड़िए, लाइटली पकड़ोगे अगर आपका डार्क हो भी गया तो आप उसे इरेज कर सकते हो। अगर आप प्रेशर से पकड़ोगे पेंसिल को, अगर आप उसे इरेज करोगे तो उसका टेक्सचर उसमें छूट जाएगा, इससे आपका वो जो पेज है वो ख़राब हो जाएगा गाइस। तो दोस्तों हमने आउटलाइन कर लिया, अब शेडिंग कैसे करें। शेडिंग के लिए पेन में सिंपल फॉर्मूला गाइस, सबसे पहले एक तो हमें एक लाइट पेन लेना है जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। ये पहले तो 3 रुपये मिलती थी लेकिन अब 5 रुपये की हो गई है। ये काफ़ी अच्छा इसका लाइट लाइनिंग है गाइस, ये सस्ती वाली पेन है, बॉल पेन आप लोग जानते ही होंगे। और एक मैंने लिया गाइस एक डार्क पेन, हल्का सा वो हल्का डार्क है जहाँ पे मैं डार्क एरिया में उसे यूज़ कर रहा हूँ। पेन स्केच की शेडिंग हम हैचिंग मेथड से करते हैं दोस्तों। फर्स्टली गाइस हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले गाइस हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे हैचिंग करते हैं, वर्टिकल कैसे ड्रॉ करते हैं और डायगोनल कैसे ड्रॉ करते हैं, इन तीनों का यूज़ करके हम लोग जो पेन स्केच की जो शेडिंग है उसे करते हैं गाइस। और एक और है गाइस, वो है क्रॉस हैचिंग। पॉइंट नंबर 3, इसमें मेरा पॉइंट नंबर 3 इसलिए गया गाइस क्योंकि जहाँ पर डार्क एरिया रहता है वो पे मैं सर्कुलर का यूज़ कर लेता हूँ। सर्कुलर मोशन में अपने पेन को घुमाता हूँ हल्के हाथों से ही, हल्का हल्का, उसी का होता है गाइस डार्कनेस और अच्छी दिखने लगती है और जो मेरा ड्राइंग है वो काफ़ी रियलिस्टिक दिखने लगता है।
तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।